कौमी सलामती कमेटी पारा दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाइयों तेज करण ए कौमी एक्शन प्लान से अमल दरामद यकीनी बनाने जो फैसलो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ कौमी सलामती कमेटी जो इजलास टिन कलाकन ताई जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत हथियारबंद फौजन के सरबराहन वफाकी वजीरन ए गुजन इदारन के सरबराहन की शिरकत। अस्करी क्यादत खैबर पख्तूनख्वा ए बलोचिस्तान में दहशतगर्दन के ताजन वाकियन आए कौमी एक्शन प्लान से समूरन नुकतन से अमल दरामद यकीनी बनाने बाबत ब्रीफिंग दिनी। वजीर आजम खिताब कदे दहशतगर्दी खिलाफ बहादुरी ए साबित कदमी से अगते वी कौम जो दुआं बहादुर फौज से गुरु आन मुल्क में मुश्किल से हासिल कल अमुन कें खराब कर दिनों वो। कानून वारे वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारा टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के क्याम के गैर आइनी करार दई छो। इस्लामाबाद में मीडिया से गालाईंदे आजम नजीर तारा चव है तो असेंबलियों तोड़न की सूरत में 60 दिन अंदर इलेक्शन थियण लाजमी है। आइन में टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की गुंजाइश ना है। पीपल्स पार्टी अखबार रजा रबानी भी जिघे मुद्दे लाए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की मुखालफत कदे निगरान टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आई तो मसामत कदी। आइन मूजब असेंबली टुटण या मुद्दो पूरा थियण से निगरान काबीना ठहंदी। पीटीआई अखबार फवाद चौधरी इल्जाम हयों तो इलेक्शन कमीशन अमली तौर से वफाकी हुकूमत में जम थी चुकी है। पाकिस्तान में रिथाबंदी तहत जमहूरियत के मुकम्मल तौर खत्म किया पे वे। ट्विटर से बयान जारी कदे फवाद चौधरी तो पैरियां बुनियादी हक मुअत्तल किया वया हाँ इदारन के खत्म किया पे वे। इलेक्शन कमिश्नर आए संदस साथी पाकिस्तानी अवाम जा विलन आ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से परडे वजीर बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात। 9 जनवरी से जिनेवा में रिथियल रिचलैंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बाबत तफसीली गालू। बिलावल भुट्टो सरदारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से पाकिस्तान के तैयारियों बाबत ब्रीफिंग दिनी। वो वजीर अमरीकी दौरे बाबत वजीर आजम के आगाह किया। मुलाकात दौरान नाड़ेवारो वजीर वफाकी वजीर सागतार ममलिकती वजीर नारावानी खर आए सैयद नवीद कमर भी मौजूद रहा। सिंध सरकार कराची के लांधी जेल में अफगान औरतों ए बाड़ा कैद होने बाबत सोशल मीडिया से खबरों की तरदीद कर छी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन है तो सिंध के कें भी जेल में अफगान बाड़ा कैद ना गैर कानूनी तौर तरसल मानून के अदालती हुकुम से जेल मोकलो वो है। कैदी औरतों से गड संदन बाड़न के जेल में रखने जो कानून मौजूद है। जेलन बाबत सलाहकार एजाज सकरानी ए बेन से गड कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे शर्जील मेमन तो सोशल मीडिया से हलंदड़ तस्वीर सिंध के जेल की ना सिंध में गैर कानूनी तौर तरसलन के वापस मोकलो वो। कानून ये कहता है कि जो बच्चे हैं अगर 7 साल से कम उम्र है तो उसको अपनी वालदा का रहने दिया जाए, क्योंकि अगर उसका वालिद भी जेल में हो वालदा भी जेल में तो बच्चा बेचारा कहां जाएगा। तो ये है कानून। और ये भी बता दूं कि इनमें से कोई भी शख्स जेल में हुकूमत की इमा पे नहीं है। ये जब भी कोई इलीगल इमिग्रेंट होता है तो उसको वो बच जाते हैं। सिंध का कोई भी ऐसा जेल नहीं है जिसकी बस्ती है। मुल्क पाकिस्तान में आज भी पूरी हमारे मुल्क की इंपॉर्टेंट कयादत जो है अपने ट्रैक पर लेकर आए, और उसी जगह पर वो शख्स आज उसने कोई ऐलान किया कि सारे मुल्क में एहतियात करो धरने करो, मतलब वो पागल शख्स है, वो बेवकूफ शख्स है, वो पाकिस्तान का कभी साथी नहीं, उसको पाकिस्तान का कोई मोहब्बत नहीं है। सिंध हाईकोर्ट सिंध हुकूमत के मकानी चूंडू थे तीन मुकर्रन अबदन का रोके छो। चीफ सेक्रेटरी ए मकानी इदारन वारन खाते जो सेक्रेटरी साथी हैसियत में तलब। अदालत चाहे टिन दिन अंदर जवाब न आयो तो सख्त हुक्म जारी कदी। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत के आगाही दिनी तो सिंध हुकूमत मकानी चूंडन के शेड्यूल जो ऐलान बावजूद मुकर्रियों बदलू कयो। इलेक्शन कमीशन केतरा ही खत लिखा पर अजा तई अमल न थी सको। सिंध हुकूमत चूंड कानून के भिंकड़ी में वसो पाए। थर में कोयले मां 330 मेगावाट बिजली पैदा करने बारे मनसूबे को इफ्तिताह किया।
मौसम की खराबी सबब वो वजीर मुराद अली शाह न पहुंची सको। पीपल्स पार्टी एमएनए महेश मलानी मंसूबे को इफ्तिताह वे वजीर मुराद अली शाह बयान जारी कदे है तो मनसूबे के इफ्तिताह से थरकोल में बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट की वही है। थर के कोयले के इस्तेमाल से पाकिस्तान में तवानाई इंकलाब अची रो है। थर के जखीरन में 200 साल तीन 1,00,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सके थी। के धड़ों की बात की तो मैं इसमें ये बताता चलूं, तब से मैंने इस मनसब पर अल्लाह ताला ने मुझे बिठाया है, मेरी ये कोशिश है कि मैं तमाम ही लोगों के दरमियान इत्तफाक और मोहब्बत पैदा करूं। और ये जो लोग नाइत्तफाकियों की वजह से इस सूबे की, शहर की और मुल्क की तरक्की में रुकावट बन गए हैं, वो रुकावट दूर करें तो बिल्कुल ठीक है। इस पर कोशिश जारी है और इंशाल्लाह अन करीब सब लोग मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स इस सूबे में, इस शहर में अपना काम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी एम के एम से धड़न के गडु करण लाए पुरअज़म सेवण में कलंदर लाल शहबाज की दरगाह से हाजिरी बाद मीडिया से गालाइंदे गवर्नर कामरान टिसोरी चयो त एम के एम के धड़न में इतफाक पैदा करण की कोशिश कर रो आया। जल्द एम के एम एक हुकूमतू इंदी वेंदी आन नफरतू खत्म कर मुल्क ए सिंध की खुशहाली लाए गडजी कम करण घुर्जे। सिंधा कोर्ट साइट एरिया में कब्जा माफिया खिलाफ कार्रवाई न कंदड़ पुलिस ऑफिसर्स खिलाफ कवीन अदालत कार्रवाई जो इशारो दई छो। नूरियाबाद साइट की जमीन से कब्जे वाले केस में अदालत की सरकारी वकील के छंड जस्टिस आफ्ताब फोरर रिमासनाथ इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन से कड़ो धंधो शुरू किया जो प्लॉट है उनके हक छो नो दिनों वे पैसन एवज कब्जा कराया पाया वन कब्जा माफिया के माल मेड़े सियासत करनी है वरी परदे वनो है। पुलिस ऑफिसर भी रुगो बयान दई सुमी पवन था अड़न ऑफिसर्स खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई कंदी। सखर हैदराबाद मोटरवे स्कैंडल केस में गिरफ्तार छह जवाबदार की जुडिशियल रिमांड में पंजन दिन की बात सखर के एंटी करप्शन अदालत नौशर फिरोज पुलिस खां ईंदड़ बुधणी से पको चालान पेश करण जो हुक्म दई छो। जांच ऑफिसर अदालत के बुधायो तो जवाबदार जांच हली रही है उबूरी चालान पेश कर चुका हूं जांच मुकम्मल कर पको चालान जमा कराए वो। सागर वेझो डिप्टी गोठ में चार दिन अग बेदर्दी से सिंधा कोर्ट सखर बेंच उबावड़ो के शुगर मिल्स में मुबैना तौर कतल कल पोरे जुनेद मलिक जो केस दाखिल करो घोटकी अदालत जो हुक्म मुअत्तल कर छो। धुरन के 23 जनवरी से पेश थे हुक्म घोटकी की अदालत केस मिल के मैनेजर मजहर हुसैन मली आदिल खान पठान खालिक उस्मान पठान अणजातल मानून के खिलाफ दाखिल करने जो हुक्म दिनों हो। ओहरेत नौजवान जुनेद मलिक जो 15 दिसंबर से निजी शुगर मिल्स में केमिकल मिलियल पानी में तशद थल लाश मिलो हो। सालेपट वेझो घर की छत किरण सबब घरधणी फौत संदस घरवारी जख्मी गोठ करीम दाद में छत किरण सबब गाजी दिनो मौके से ही दबी फौत थी पो संदस घरवारी जख्मी अस्पताल मुंतकिल। करम एजेंसी बॉर्डर से दहशतगर्दन से विढ़े शहीद थियल पनवाकिल वासी फौजी जवान की जनाज नमाज अदा कई पई। पाक फौज के ऑफिसर्स इलाके वासन के शहीद फौजी और नौजवान हाफिज अब्दुल रहमान जोड़ी जो जनाज़े नमाज में शिरकत जनाज़े नमाज बाद शहीद जवान के मड़ के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कई पई पाक फौज पारा सलामी दिनी पई। काजी अहमद में वधंदड़ बदमनी खिलाफ रहवासन जो एहतजाज थाने आरो धरणो एहतजाज कंदड़न जो चवण है शहर ए भरपासे में पुर के वाकन में इजाफो थी रो है पुलिस बदमनी से जाब्तों आने लाए के कदम न पई खणे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड खिलाफ ऐलानियल एकवी रुकनी वनडे स्क्वाड में फखरुज़्ज़मान ए हारिस सुहेल के भी शामिल कर छो। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ट्वीट कदे है तो फखरुज़्ज़मान ए हारिस सुहेल के फिटनेस टेस्ट का पोए टीम में शामिल किया वो बई रांदीगर पाक कप में भी सुठी कारकर्दगी जो मुशायरो कर रहा है।